अभी तक जो रहा है, इंडियन डायस्पोरा ने एक बहुत बहुत बड़ा वेलकम किया प्राइम मिनिस्टर मोदी का। वहां पे हजारों लोग पहुंचे हैं और उनको जो वेलकम मिला है वो बहुत ही बढ़िया रहा है। इन द सेंस के इससे पहले मोदी को ही ऐसा वेलकम मिला था मेडिसन स्क्वायर में, और दोबारा मोदी को ही मिल रहा है, किसी इंडियन प्राइम मिनिस्टर को ऐसा वेलकम मिला नहीं है आज तक। तो एक बार एब्सोल्युटली नॉट क्या कह दिया कि वो इतना सख्त बुरा मना गए कि वो खान साहब को फोन ही नहीं कर रहे, सिर्फ फोन का इंतजार कर रहे हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, और वो फोन नहीं कर रहे। तो अब उनके घर पे पहुंच के अगर वहां पे वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर से मिले और हमारे प्राइम मिनिस्टर से नहीं मिले तो भी हमारी कितनी बेइज्जती हो जाएगी। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, वो जी अमेरिका गए हुए हैं और वहां पे उनकी एक्टिविटीज जो है वो इंडियन मीडिया धड़ाधड़ 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 दिखा रहा है, और पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान साहब वो नहीं गए हैं, वो यहाँ से ही अपना रिकॉर्डेड मैसेज जो है उनका वो फ्राइडे को दिखाया जाएगा वहां पे जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की जो मीटिंग हो रही है उसके अंदर। तो इसलिए कि जी मोदी जी को पैसे खर्च करने की आदत है, मोदी जी बहुत फजूल खर्चे हैं, मोदी जी बहुत पैसे उड़ाते हैं, इमरान खान साहब ऐसा कुछ नहीं करते। और वो तो जब जाना भी हो तो किसी और से हम जहाज ले लेते हैं ना, आप जानते हैं कि कभी सऊदी अरब से कभी किसी से, लेकिन वो लोग भी अजीब है, आधे रास्ते में हमें उतार देते हैं या फिर कहते हैं कि जी वापस जहाज अपना बुलवा लेते हैं। तो हमने सोचा कि इस तरह की टेंशन में नहीं पड़ना चाहिए। दूसरा ये कि यूएस के जो जो प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन साहब, आप जानते ही हैं कि कब से इमरान खान साहब उनके फोन का वेट कर रहे हैं। अब तो सीएनएन ने, बीबीसी ने, अब तो हर जिसे कहना चाहिए इंटरनेशनल मीडिया ने भी इस बात को उठाना शुरू कर दिया, इस बात पे बोलना शुरू कर दिया है। तो अगर सब कह रहे कि जी हमारे इंडियन फ्रेंड्स हमसे पूछ रहे हैं कि जी आपके प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं गए, तो जी ऐसी कोई बात नहीं है ना, जहाज वहाज का कोई मसला नहीं था, हम कहीं और से अरेंज कर लेते। बहुत कंट्रीज ऐसी हैं जो अभी भी हमें तैयार हैं कि अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, हमारे मिनिस्टर ने कहीं जाना हो, वैसे भी इतने सारे लोग गए तो हैं। शायद वो आपने देखा ही है कि वो आफरीदी जो है शहरयार आफरीदी, वो जो जिन्हें एयरपोर्ट पे पकड़ा गया था और फिर कपड़े वपड़े उतार कर उनका चेकअप किया गया था, तो वो गए हैं, और शाह महमूद कुरैशी साहब गए, बहुत से लोग हैं। तो इमरान खान साहब भी जा सकते थे, इतनी कौन सी बड़ी बात है, अगर मोदी जी जा सकते हैं तो हमारे प्राइम मिनिस्टर भी जा सकते हैं। हम लोग कोई ऐसे गिरे पड़े नहीं है कि हमारे पास पैसे नहीं है ना, ये समझ समझिएगा। वैसे मोदी अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वो कब से फोन का इंतजार कर रहे हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, और वो फोन नहीं कर रहे। तो अब उनके घर पे पहुंच के अगर वहां पे वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर से मिले और हमारे प्राइम मिनिस्टर से नहीं मिले तो भी हमारी कितनी बेइज्जती हो जाएगी। तो वैसे तो खैर हम हमारा मानना यह है कि बेइज्जती उतनी ही होती है, यानी बेइज्जती उतनी ही होती है, इंसल्ट उतनी ही होती है जितनी आप महसूस करें, और हम लोग महसूस नहीं करते। हमारी एक बहुत बड़ी क्वालिटी जो ऊपर वाले ने सिर्फ पाकिस्तानियों में डाली है कि हमारी कितनी भी इंसल्ट करें हमें महसूस नहीं होता। तो यही वजह है कि हमें महसूस तो नहीं होती, लेकिन फिर भी हमने सोचा कि नहीं, मेरा ख्याल है इमरान खान साहब को नहीं जाना चाहिए, और इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो है वो आराम से अपनी मीटिंग कर ले अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ, हम फिर कभी देखेंगे, बहुत टाइम पड़ा हुआ है, फिर किसी और वक्त किसी और जगह पे अगर कोई मीटिंग हुई तो जाके मिल लेंगे। इनकी एक पर्सनल रैपो बन जाती है प्राइम मिनिस्टर मोदी की सबसे। अब देखते हैं बाइडेन से कैसी रहेगी फर्स्ट मीटिंग, और इस मीटिंग में उम्मीद है बात तो बहुत सारे टॉपिक्स पर होगी, रीजनल सिक्योरिटी पे होगी, क्वाड पर होगी, चाइना पे होगी, पाकिस्तान पे जरूर होगी, और अफगानिस्तान एक बहुत बड़ा इशू होगा ऐसा भी बताया जा रहा है कि ये कमला हैरिस से भी बात करेंगे। कमला हैरिस की जो मदर हैं वो इंडियन ओरिजिन की थी, और कमला हैरिस जो है वो इंडियन इश्यूज पे काफी बोलती रही हैं। वैसे तो क्रिटिकली थी जब तक इलेक्ट नहीं हुई थी, लेकिन उसके बाद उनका जो व्यू पॉइंट है बहुत स्ट्रॉन्ग चेंज हुआ। वहां पर इनकी मीटिंग जो हम इंडस्ट्री के लीडर्स हैं उनसे भी होगी, साथ में क्वाड की मीटिंग में भी जाएंगे ये लोग। बस सर हमें कॉल नहीं करते वो, हमारे प्राइम मिनिस्टर को कॉल नहीं करते। देखिए सबसे कॉल भी कर रहे हैं, हॉटलाइन पे बात भी कर रहे हैं, बुला भी रहे हैं। हाँ वो तो मतलब खुद पाकिस्तान के एनएसए जो हैं वो बड़े गिले से कह चुके हैं भाई हमें कॉल नहीं आती। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की कॉल से तो वो मायूस हो ही चुके हैं, अब वो उसका जिक्र नहीं करते। अब वो जल्द ही शायद जो बाइडन की कॉल से भी मायूस हो जाएंगे, और मैं ये समझता हूँ कि ना ही कॉल आए पाकिस्तान को तो अच्छा है, हो सकता है कॉल आएगी तो डांट भी साथ सुनने को मिले। तो देखिए ना, मतलब टोनी ब्लिंकन ने अभी पिछले हफ्ते ही कांग्रेस की ब्रीफिंग में पाकिस्तान के लिए क्या अल्फाज इस्तेमाल किया, अभी इनडायरेक्ट मैसेज है ना पाकिस्तान के लिए।
तो डायरेक्ट मैसेज भी वो यही देंगे और शायद और भी इनडायरेक्ट मैसेज दे ही रहे होंगे, क्योंकि पाकिस्तान चाइना का अपने आप को एलाई समझता है। ये अलग बात है कि पाकिस्तान से चाइना भी खुश नहीं, ये अलग बात है कि पाकिस्तान चाइना के चुंगल से निकलना भी चाहता है, आई अंडरस्टैंड इट। लेकिन इशू ये है कि इस वक्त तो पाकिस्तान बहरहाल उनके ब्लॉक में बैठा हुआ, मजबूरी ही सही, उसके अलावा तो पाकिस्तान के पास कोई और चारा नहीं है। तो इस सारी सूरत हाल में क्वाड में जो बातें होंगी वो पाकिस्तान के लिए भी इनडायरेक्ट एक टफ सिचुएशन क्रिएट करेंगी, चूंकि उनका जो राइवल कंट्री है भारत, जो कि जिसका कोई कंपैरिजन नहीं है पाकिस्तान से, ना साइज में, ना इकोनॉमी में, ना कल्चर में, ना सर्कमस्टांस में, कोई कंपैरिजन नहीं, वो पता नहीं। प्राइम मिनिस्टर मोदी, उनकी मुलाकात हो रही है अमेरिकन नायब सदर कैमिला हैरिस के साथ, वॉशिंगटन में है प्राइम मिनिस्टर मोदी, और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो मुलाकात है वो मुलाकात होगी जापान प्राइम मिनिस्टर से, और फिर उसके बाद उनकी मुलाकात होगी ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर से, और फिर उसके बाद कल जो है ये तमाम शख्सियात की पहले तो आपस में मुलाकातें हैं और फिर ये तमाम शख्सियात की जो है ये प्रेसिडेंट बाइडेन से मुलाकात है। ये वो मुलाकात है जिसको क्वाड का नाम दिया गया है। अब सवाल ये है कि ये मुलाकात क्यों हो रही है। पाकिस्तानी मीडिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी दौरे की गूंज सुनाई दे रही है। न्यूज चैनलों पर पैनलिस्ट और एंकर इमरान खान सरकार को कोस रहे हैं। सवाल उठा रहे हैं कि तालिबान को लेकर खुद की पीठ थपथपा रहे इमरान खान तो अब कहीं सीन में ही नहीं है। एक पैनलिस्ट ने कहा कि पूरी दुनिया की नजर पीएम मोदी के अमेरिका दौरे पर है, वहां वह अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मिलेंगे, क्वाड नेताओं के साथ बैठक करेंगे। कोई इस पर सवाल उठा रहे हैं कि इधर इमरान खान बाइडेन की एक फोन कॉल को तरस गए, उधर मोदी का व्हाइट हाउस में इस्तकबाल के लिए बेताब है। इमरान खान तो कोरोना का बहाना बनाकर यूएन की बैठक के लिए अमेरिका भी नहीं जा रहे हैं। पाकिस्तानी टीवी मीडिया कह रहा है कि अमेरिका में भारत का प्रभाव काफी बड़ा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर लगातार सक्रिय है, लेकिन शाह मोहम्मद कुरैशी कहीं नहीं दिख रहे। भारत तालिबान मुद्दे पर दुनिया के देशों को अपने रुख से वाकिफ करा रहा है। एक एंकर ने तो यहाँ तक आरोप लगाया कि भारत ने ब्रिटेन और न्यूजीलैंड को यूज किया। दोनों देशों की क्रिकेट टीमें पाकिस्तान दौरे से पीछे हट गई। अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 बार अमेरिका का दौरा कर चुके हैं। जानिए उनके इस खास यूएस विजिट्स के बारे में। पीएम मोदी साल 2014 में पहली बार अमेरिकी दौरे पर गए थे। इस वर्ष सितंबर में उन्होंने अपना पहला यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली संबोधन दिया। इसके बाद उनकी मुलाकात तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा से हुई थी। व्हाइट हाउस में दोनों नेताओं की पहली द्विपक्षीय मुलाकात पर दुनिया भर की नजरें गड़ी थी। इसी वर्ष पीएम मोदी ने न्यूयॉर्क के मैडिसन स्क्वायर गार्डन पर भारतीय समुदाय को संबोधित किया था। साल 2015 में पीएम मोदी दूसरी बार अमेरिकी दौरे पर गए। इस वर्ष सितंबर में उन्होंने यूएनजीए में दूसरी बार भाषण दिया था। इसके बाद सिलिकॉन वैली में फेसबुक फाउंडर मार्क जुकरबर्ग तमाम टेक एंटरप्रेनर्स के साथ मीटिंग की थी। पीएम मोदी इसी दौरान गूगल और टेस्ला मोटर्स के हेडक्वार्टर पर भी गए थे। इसके अलावा फेसबुक हेडक्वार्टर का भी दौरा किया था और फिर जुकरबर्ग के साथ टाउन हॉल सत्र को संबोधित किया था। साल 2016 में पीएम मोदी ने 2 बार अमेरिका का दौरा किया था। वो पहले मार्च में वॉशिंगटन पहुंचे और 2 दिनों तक चलने वाले परमाणु सुरक्षा सम्मेलन में शामिल हुए। इसके बाद वो जून में फिर अमेरिका गए। इस बार उन्होंने अमेरिकी कांग्रेस के दोनों सदनों को संबोधित किया तो व्हाइट हाउस में फिर से बराक ओबामा के साथ वार्ता की। जून 2017 में पीएम मोदी एक बार फिर अमेरिका के दौरे पर गए। इस बार उन्हें तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आमंत्रित किया था। ट्रंप ने उसी साल सत्ता संभाली थी। ट्रंप के साथ व्हाइट हाउस में हुई मुलाकात में पीएम मोदी ने रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने पर जोर दिया था। इस दौरान ट्रंप ने पीएम मोदी वर्किंग डिनर होस्ट किया था। उनके इस दौरे पर ही अमेरिका ने हिजबुल मुजाहिदीन के सरगना सैयद सलाउद्दीन को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया। साथ ही भारत के लिए 22 गार्डियन ड्रोन का रास्ता भी साफ हुआ था। पीएम मोदी साल 2019 में फिर से अमेरिका के दौरे पर गए थे।
सितंबर 2019 में उन्होंने 74वें उंगा सत्र में शिरकत की थी। इसके अलावा टेक्सास के ह्यूस्टन में हाउडी मोदी कार्यक्रम में भी शामिल हुए थे। इस विशाल इवेंट में तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी पीएम मोदी के साथ मंच साझा किया था।